वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगा मशरूम डबल डेकर। मशरूम हर घर में यूज किया जाता है और उस मशरूम को किस तरह स्टफिंग मशरूम में यूज करना है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए किचन में चलते हैं। हमें डबल डेकर मशरूम के लिए चॉप्ड अनियन, स्लाइस चीज, गार्लिक चॉप्ड, चॉप ग्रीन चिली, चॉप जिंजर और चॉप मैंने बेसिल लीव लिया है और ये लिए हैं मशरूम। और मशरूम डबल डेकर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मशरूम के स्टेम्स इस तरह निकालने होंगे और इसको हल्का सा थोड़ा सा अंदर से निकाल के इसमें इस तरह होल बना लेंगे। इस तरह हम सारे मशरूम करेंगे। इस तरह सारे मशरूम को हम इसमें बीच में होल बना लेंगे और इसके बाद इसको हम बॉईल करेंगे गर्म पानी के। ये हमारा पानी गर्म हो गया है। इसमें हम एक एक करके सारी मशरूम जिसके हमने स्टेम्स निकाल लिए हैं उसको डालेंगे। ये हमने सारे मशरूम जितने भी हमारे पास हैं हमने ले लिए और उसको हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे और उसको निकाल लेंगे। ये जो मेरे पास मशरूम स्टेम्स जो मैंने निकाली थी मशरूम के पीछे से, इसको मैं फाइन चॉप कर लूँगा। बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। इस स्टेम्स को भी हम फिलिंग में डालेंगे इसके मशरूम के। हमारी मशरूम बॉयल हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगा। अब हम बनाएंगे मशरूम की स्टफिंग। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा इसमें हम जो हमारा सामान रखा है स्टफिंग लिए इसमें डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम चॉप्ड जिंजर। चॉप्ड गार्लिक। ग्रीन चिली। चॉप्ड अनियन, इसको हम 2 टीस्पून डालेंगे। और ये हमारे पास बेसिल लीव्स, इसको डालेंगे। और इसको टॉस करेंगे हम। डालेंगे हम सॉल्ट टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर उसको चला देंगे। ये हम डाल रहे हैं चॉप्ड मशरूम स्टेम्स। इसको हम किसी बॉल में डाल लेंगे और एंड में डालेंगे हम ये चीज स्लाइस लिया था मैंने अमूल का, इसको उसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और सारी स्टफिंग को मशरूम में स्टफ करेंगे जब ठंडा हो जाए। जब तक हमारी मशरूम ठंडी हो रही है, मशरूम का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है, तब तक इसका हम एक बैटर बनाएंगे जिसके अंदर उसको डिप करेंगे। ये मैंने वन लेडल एक कड़छी मैंने मैदे के लिए, इसमें डाला थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, डालेंगे हम पानी, थोड़ा पानी डालेंगे, इसका बैटर हम गाढ़ा रखेंगे और इसको हम चलाएंगे और जितना पानी रिक्वायरमेंट है डालते जाएंगे। आपने ध्यान रखना कि बैटर पतला ना हो जाए। और पानी डालेंगे, हम इसका बैटर एकदम गाढ़ा रखना है और थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो निकल, बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी, कोई भी लम्स नहीं है। अब इसके अंदर हम मशरूम जो हम स्टफ करेंगे इसके अंदर डालेंगे। अब हम मशरूम की स्टफिंग करेंगे, अच्छी तरह से मशरूम को भरेंगे, इस तरह सारी मशरूम में भर लेंगे। ये हमने मशरूम सारे स्टफ कर लिए हैं, अब इनको हम जॉइंट करेंगे, तभी हमने इनको कहा डबल डेकर। एक मशरूम उठाएंगे और दूसरा भी उठाएंगे और दोनों का आपसे चिपका देंगे इस तरह, और इसके बीच में ये टूथपिक एंटर कर देंगे, और टूथपिक एंटर करने के बाद इसको हम डाल देंगे, ये जो हमने मशरूम बनाया, अब इसको हम बैटर में डिप करेंगे अच्छी तरह से। डिप करने के बाद इसको हम डाल देंगे ब्रेड क्रम में और ब्रेड क्रम से कोटिंग करेंगे। और इसमें इसमें रख देंगे, बाद में हम जब हमारा तेल गर्म होगा इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। मशरूम को हमने कोटिंग दे दी, कोटिंग के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम लगा दिए, अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम एक एक करके इसको डालेंगे। हमारे मशरूम फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमने मशरूम को फ्राई कर लिया है और इसको प्लेट में रख दिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, साथ में सॉस दे दें। मैं कैबेज के ऊपर इसको दे रहा हूँ, मैंने कैबेज लिए, कैबेज के ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है और इसके ऊपर मैं अब हमारे मशरूम लगा दूंगा। ये मशरूम डबल डेकर बनके रेडी हो गए, साथ में मैं सॉस दे रहा हूँ जिसको मैंने कैबेज के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैबेज के ऊपर लगा रहा हूँ और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये हमारे मशरूम डुप्लेक्स बनके रेडी हो गए हैं, जिसको मैंने कैबेज पे लगाया है, साथ में मैंने टमाटो सॉस दी है। खाइए, इंजॉय कीजिए स्नैक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए शुक्रिया।